दोस्तों इस वीडियो में आप सीखोगे कुर्ते का पॉकेट कटिंग और स्टिचिंग दोनों। तो चलिए इस वीडियो से आप सभी को सिखाते हैं कुर्ते में किस तरीके से पॉकेट सेट करते हैं और कटिंग करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सीखोगे जो पॉकेट होता है इसका कुर्ता का, उसका कटिंग और स्टिचिंग दोनों काट कर और लगा कर दोनों दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले नीचे से एक सीधा निशान लगा ले और इसका हाइट यानी कि जो लंबाई रहता है वो रहता है 18.5। ये देखिए 18.5 पे हमने मार्कर लगा दिया। इसके बाद ये जो किनारी पीस है किनारी पीस को छोड़कर यहां से आप इसका चौड़ाई रख ले 7 इंच। अब इसको कटिंग कर ले। ये देखिए ये जो है कटिंग हो गया। अब यहां से इसको इस तरीके से फोल्ड करें और यहां पे एक बीच का एक नोचिस लगा लें। अब इसको यहां से इस तरीके से फोल्ड करें, कितना फोल्ड करें, 6 इंच। ये देखिए यहां से इस तरीके से फोल्ड कर दे 5.5 से 6.5 इंच, 6 इंच से 2 फुट कम। ये देखिए फोल्ड करके यहां पे कुटका लगा दिए। अब जो है यहाँ पे इस तरीके से डाउन कर ले 1.5 इंच। ये देखिए 1.5 इंच। अब यहाँ से आप इस तरीके से एक तिरछा निशान लगा ले और इसको कटिंग कर ले, हल्का भी टाइप का ऐसे कर ले, स्ट्रेट नहीं, अच्छा लगता है थोड़ा दिखने में। ये देखिए अब चलिए इसको हम लगाकर आप सभी को डिटेल्स में दिखाते हैं, इसको बनाएंगे और लगाएंगे। ये रहा कुर्ता का पॉकेट जहाँ पे लगता है, ये देखिए। ठीक है, अभी कुर्ता का पॉकेट लगाने से पहले पॉकेट को बनाना पड़ता है। तो चलिए पॉकेट को कटिंग कर लिए हैं, अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले इधर से कच्चा है, अगर पारा है तो सही रहने देंगे, कच्चा है तो इधर से हम फोल्ड कर लेंगे, मोड़ लेंगे। ये देखिए ठीक है, मुड़ने के बाद आप सभी को बताए थे कि जो हमने 5.25 का मार्का लगाया ना, 5.5 से लेकर 5.25, ये जो कुटका है वहाँ से फोल्ड करेंगे, मोड़ देंगे और ऊपर से 1/2 इंच से 2 सूत कपड़े छोड़ के सिलाई कर देंगे। ये देखिए हम जैसे छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और इधर से भी एक पैर का कपड़ा पकड़ के सिलाई कर लेंगे और लास्ट में सेम उतना ही छोड़ कर इसको बांध लेंगे, लॉक कर देंगे। ये देखिए ठीक है, इसके बाद अब इसको सीधा करेंगे। ये देखिए सीधा हो गया, सीधा होने के बाद लब पे सिलाई चलाएंगे और जो हम सिलाई के कपड़े जो छोड़े हैं ना 2 सूत का, उसको छोड़कर इस तरीके से पहले ही हम भी है जैसे कटिंग किए हैं सेम उसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। इसके बाद होता क्या है कि सेट करने में लगाने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए ये तो पॉकेट अब तैयार हो गया, अब इसको सेट करते हैं यानी कि कुर्ता में लगाते हैं। आप सभी ने देखा कितने आसान तरीके से हमने इसको रख लिया, ये उल्टा है ठीक है, और पॉकेट का बीच का इस तरीके से कुटका लगा हुआ रहता है। आप चकमिट्टी का भी ऊपर से दाग लगा लेने पर कंफर्म हो जाएगा। और ये देखिए ऊपर से जो पॉकेट हमने जो कट किया है ना उसको प्रोटेक्ट यानी कि उसको ऊपर से लगभग 1 इंची एक्स्ट्रा सिलाई होना चाहिए, उसके बाद जहाँ पर सेट होगा उस तरीके नीचे से सिलाई करके और ये पॉकेट को नीचा कर देंगे, नीचे का भाग सिलाने के बाद, और इसको अब चारों तरफ से सिलाई कर देंगे अच्छे तरीके से सरिया कर, यानी कि जैसे तैसे सिलाई कर रही है। देखिए अच्छे तरीके से जो जहाँ बैठ रहा है उस तरीके से बैठा कर ये हम लब का सिलाई कर दे रहे हैं, ठीक है, और इधर से भी सेम बैठा लेंगे। देखिए ठीक है, अगर नहीं बैठाओगे ना, नहीं सरियाओगे तो उसमें जो है टेकिंग आ जाएगा, प्लेट आ जाएगी या पॉकेट अच्छे तरीके से नहीं लगेगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो ये देखिए परफेक्ट तरीके से ये लग चुका है। ये देखिए पॉकेट लगने के बाद आप सभी को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पॉकेट दिख रहा है, कहीं भी नम नहीं है, कहीं भी प्लेट नहीं है, बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट तरीके से लगा हुआ है, ये देख सकते हो।
तो सेम ऐसे लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब